best friend forever. A very good evening, everyone. I'm Smriti Rastogi. And I'm Sanjeev Kumar. And welcome to this new episode of Best Friend Forever. आगे बढ़ने से पहले थोड़ी मैं brief सा introduction दूंगी मेरे co-host के बारे में. Sanjeev is a very renowned pet expert and he has been doing a commendable work over a period of time in this field. And today he is joining me as my co-host. Sanjeev, आपका बहुत बहुत Thank you so much. नया साल है, मैं अपने सारे दर्शकों को विश करूंगी अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर. नए साल की बात हो रही है तो बात होगी रेजोल्यूशंस की. रेजोल्यूशंस की बात हो रही है तो मंच है पेट शो का. तो इस मंच से हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने घर में पेट लेकर के आना चाहते हैं तो कोशिश करिए उनका अडॉप्शन जितना से जितना हो सके. ये मुहिम है इस मंच के जरिए हम आप तक पहुँचा रहे हैं और ये आधे घंटे का शो है जिसमें हम बात करेंगे. पेट से जुड़ी तमाम बातें होंगी, हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे हमारे साथ. आप दर्शकों से हमें रिक्वेस्ट है कि आप हमें कॉल करें हमारे फोन नंबर पे और जो भी आपके सवाल हैं हमारे पेट एक्सपर्ट से पूछिए. हमारा फोन नंबर है 01123097532. आप इस नंबर पे हमें कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए और जो भी सवाल है हमारे एक्सपर्ट से पूछिए. बिल्कुल, एडॉप्शंस और नया साल ये अगर एक साथ मिल जाए तो क्या बात बने. अडॉप्शंस की लास्ट टाइम ही हमने डिस्कस किया अडॉप्शंस के बारे में और इस बार अडॉप्शंस का एक और एंगल हम आपके पास लेके आते हैं कि रिटायर्ड सर्विस डॉग्स जो हैं उनको हम कैसे एक नया घर दे सकें और उनके लिए कैसे अपना दिल खोल के स्वागत कर सकें अपनी दुनिया में. इस पे आइए देखिए हम एक स्टोरी. सेना में मुश्किल मिशन को अपनी बहादुरी, तेज तर्रार स्पीड और स्पेशल एबिलिटी से अंजाम तक पहुंचाने में अहम रोल निभाते हैं ये फोर लेगेड ब्रेव हार्ट्स, यानी ये सर्विस डॉग्स. सैनिकों की तरह ही कई पैरामीटर्स पर होती है इनकी तैनाती. सोल्जर्स की तरह ही समय के साथ ये सर्विस डॉग्स भी रिटायर्ड हो जाते हैं. आमतौर पर 10 और 12 साल के बीच में ये कुत्ते रिटायर हो जाते हैं. कभी कभी बहुत कम कुत्ते का एक्सीडेंट हो जाता है. इस तरीके से गंभीर चोट लग जाती है कि वो सर्विस नहीं कर पाए तो वो ऑटोमेटिकली उसको रिटायरमेंट दे देते हैं. वहीं से शुरू होता है इनका एक अलग तरह का स्ट्रगल. ऐसे डॉग्स को आप छोड़ देते हो अचानक से आफ्टर सर्विस ऑफ 9 ईयर्स, जो इसका जो नॉर्मल ड्यूटी था, जो फुल ऑफ एक्शन था, वो ये मिस कर रहा है. सैडिस्टिक लाइफ हो गया, मतलब कि सुबह शाम खाना और बस एक राउंड लगाना. रिटायरमेंट के बाद इन्हें शेल्टर होम भेज दिया जाता है जहां वो रहते तो हैं लेकिन उन्हें इंतजार होता है प्यार और अपनेपन का. सेवा भाव से अडॉप्शन करना चाहिए तो हम फैमिलीज में वो क्वालिटीज देखते हैं कि वो प्यार दे सकते हैं और एक तरीके से वो जिंदगी दें जो वो सर्विस में, जहाँ पर अक्सर बहुत डिसिप्लिन होता है और बहुत स्ट्रेस होती है, वैसा जिंदगी ना हो और वो अपने लाइफ को एंजॉय कर पाए. एक ऐसा ही एग्जाम्पल सेट किया है शैलेश कुट्टी ने CISF ब्रेव हार्ट ट्विकले को अपना कर. मेरे को इसके साथ अटैचमेंट हो गया था फर्स्ट लुक से ही. मेरे को लगा था हाँ यही है मेरे लिए. मोबिलिटी इसका थोड़ा कम था क्योंकि इसके एक पैर में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी. आफ्टर रिकवरी नाउ शी इज बेटर एंड नाउ शी इज फाइन. इनके जॉइंट पेन्स होंगे, आर्थराइटिस होगा, किडनी इश्यूज होंगे, लिवर इश्यूज होंगे, क्योंकि इनका लाइफ बहुत डिफिकल्ट और डिसिप्लिन्ड और स्ट्रेसफुल रहा है. ये सब हेल्थ इश्यूज 100% हमें एंटिसिपेट करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए. देश के इन वॉरियर्स को अपने घर लाते समय इसे स्टेटस सिंबल मत बनाइए और ना ही इनसे एक्सपेक्टेशन रखिए. सर्विस डॉग को अगर हम एटलीस्ट अडॉप्ट करके उनको अच्छी लाइफ दे सके तो उससे बड़ी देश सेवा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. दे कांट लीव विदाउट यू. कुछ नहीं चाहिए, बस उनको आपका प्यार चाहिए, बस आपकी कंपनी चाहिए. केयर देकर न सिर्फ हम इनका मान बढ़ा सकते हैं साथ ही देश के जांबाजों को कर सकते हैं
अनुपम सलाम। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। रिटायर्ड सर्विस डॉग्स जो अडॉप्शन है उसको लेकर संजीव, वाकई में बड़ी मार्मिक, बड़ी इमोशनल ये स्टोरी थी। क्यों और कितना ज़रूरी है ये अडॉप्शन, ये समझने के लिए मुझे लगता है ये स्टोरी बहुत कारगर रही है। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी डॉक्टर प्रदीप राणा जी का। डॉक्टर प्रदीप राणा इज़ अ वेरी रिनाउंड पेट वेटनरी डॉक्टर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्वाति टंडन। स्वाति टंडन इज अ रिनाउंड मीडिया पर्सनालिटी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि हमें कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए, आपके जो भी सवाल हैं हमारे एक्सपर्ट से पूछिए। हमारा फ़ोन नंबर एक बार फिर मैं आप लोगों को बता दूँ, 01123097532। इस नंबर पे कॉल करिए, अपने सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछिए। संजीव, बहुत अच्छा और बेहतर ये प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए जुड़ने का। और जो टॉपिक है जो अभी हमने देखा, बहुत इमोशनली मुझे लगता है लोगों को जुड़ने वाला टॉपिक है ये। बिल्कुल इमोशनल, मतलब कई सारे मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो हम अपने पेट्स के साथ में बिताते हैं और उनको याद करते करते आंसू भी आ जाते हैं कई बार आंखों में। और एक फैक्टर जो अपनी आपने देखा अडॉप्शन को लेके, आज हम खास तौर से डिस्कस डॉक्टर साहब एंड स्वाति आपसे करना चाहेंगे कि पेट ओनरशिप एंड ओनरशिप के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आइए थोड़ा उस पर हम दृष्टि डालें। डॉक्टर साहब, पेट ओनरशिप है जो हम बात करते हैं कई बार बर्थडे गिफ्ट्स के एंगल से, या हम एक अडॉप्शन भी अगर हम लेते हैं तो उसको भी मैं बोलता हूँ कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज जुड़ी हैं उसके साथ में, आप प्लीज़ थोड़ा बताएँ। बोलने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले मेरे पास एक आर्मी के रिटायर्ड डॉक्टर आए फ्रॉम आगरा ऑल द वे, एक सर्विस डॉग को लेकर के आए हु वाज रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी एंड ही हैड वी हैड टू डू अ सर्जरी ऑन द आई। अच्छा, आँख में सर्जरी करनी पड़ी जी, थी जी। एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी दैट जेंटलमैन हु ड्रोव ऑल द वे फ्रॉम आगरा to get the service done, to make him feel better. कितना effort? इससे बड़ा example responsibility का कुछ हो नहीं सकता। And hats off to the gentleman. He took in all the efforts और उसने इतना वो करा। It only shows कि उनमें इतने emotions हैं involved। जी। उन्होंने देख रखा है कि भई ये service dogs कितने कितने डिफिकल्ट कंडीशंस में काम करते हैं। यू हैव देम इन ले लद्दाख, यू हैव इन द बॉर्डर्स, यू गो टू द अदर बॉर्डर्स अरुणाचल साइड। मुझे लगता है शायद इसीलिए उनको वॉरियर्स कहा जाता है संजीव जी, इसीलिए उनको फ्रंट लाइन जो वर्कर्स होते हैं, फ्रंट लाइन जो सोल्जर्स होते हैं, उसमें इन इन डॉग्स का जो होता है नाम आता है, इन पेट्स का नाम आता है। बिल्कुल, देखिए खाली हमारे जवान जो हैं वो ही खाली हमारी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, ये एक अनसीन एलिमेंट है कि ये जितना कारगर रहते हैं हमारी सुरक्षा के लिए वो एक बॉन्ड इसके साथ में। डॉक्टर साहब आपने देखा ही होगा कि जो हमारे जवान हैं वो अपने खाना खाने के साथ साथ इनको उठाते हैं साथ में, उनको खाना खिलाते हैं और पूरा ख्याल रखते हैं, मतलब एक एक छोटी छोटी चीजों का। आप डॉक्टर साहब कुछ बोल रहे थे, बिकॉज इनकी अटैचमेंट इतनी होती है दैट ह्यूमन एनिमल बॉन्डिंग अगर ये नहीं होगी तो आप अपने डॉग को इतनी अच्छी तरह ट्रेन नहीं कर पाओगे जी। 100% फेथ होता है दोनों साइड में, दैट इज द बेस्ट वे टू। मैंने कई बार देखा है कि जो जवान हैं वो बैठ के कान में कुछ बोल रहे होते हैं
धीरे धीरे छोटे छोटे चीजें भी वो जानवर सुनता है, और कई बार ना सुनने में भी आई कॉन्टैक्ट के थ्रू उस चीज को अपने एक्शंस में दिखाता है। स्वाति, आप काफी समय से काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में, एंड आपने एडॉप्शंस के लिए भी। आगे बढ़ने से पहले हमारे पास एक खास मेहमान है, उनसे हम दर्शकों की मुलाकात करा दे तो। अरे हाँ बिल्कुल। स्वाति, आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इनका नाम बताइए, इनके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। ये मेरा आइवर नाम है इनका। इसका नाम आइवर है और ये मेरा सबसे छोटा बेबी है। ये अभी 3 महीने का भी नहीं हुआ है, एंड ही इज द न्यूएस्ट एडिशन इन माय लाइफ, एंड या। तो आपका बॉन्ड तो क्लियरली दिख रहा है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी आप आइवरी की आइवर की शक्ल दिखाइए। यस, व्हाट अ ब्यूटीफुल, आई मीन इसका आईज ब्लू कलर की है, एंड ये लासा एप्सो है, सो या, एंड ही इज अ बॉय। ओह ब्रिलियंट। सो स्वाति, जैसा हम बात कर रहे थे, आप एक बिहेवियर एलिमेंट के से लेके आपके पास कुछ ऐसे केसेस आए या कुछ ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया कि किसी ने पेट ले लिया है लेकिन उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या दिक्कतें आ रही हैं, तो ऐसी कुछ बातें आप शेयर करें हमारे दर्शकों में से। एक्चुअली क्या होता है कि अभी पेट्स बहुत कॉमन हो गए, हर दूसरे घर में आपको पेट्स मिलेंगे, और अगर आप देखें डॉग्स ले या कैट्स ले, इतनी ब्रीड्स हैं। हाँ, आप यू नो 300-400 ब्रीड्स हैं इंडिया में जो आप ले सकते हैं, आप घर पे ला सकते हैं, आपको डॉग्स हर शेप, हर साइज, हर कलर, हाँ, छोटे बाल, बड़े बाल, हर तरह के मिल जाएंगे। जैसे एक जर्मन शेपर्ड का ध्यान रखा जाता है, वैसे एक लासा आप्सो का नहीं रखा जाता, जैसे एक पूडल का ध्यान रखा जाता है, वैसे एक डोबरमैन का नहीं रखा जाता। बिल्कुल। तो लोग ले आते हैं पर बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं कि अब इसको क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, ये दे सकते हैं, नहीं दे सकते। एक खास तौर से मैंने दिक्कत महसूस करी है, कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। एक मेन प्रॉब्लम, कोलकाता से हमारे साथ कॉलर हैं, आई थिंक कोलकाता से हमारे साथ विक्रम जुड़ रहे हैं। विक्रम, आपका सवाल जो है आप हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर विक्रम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रसार भारती को बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगा कि ब्रिंगिंग सच अ वंडरफुल शो, और इस शो के थ्रू मैं एक मतलब सोच रहा हूँ कि आई शुड हैव अ पेट, तो मैं एक डॉग लेना चाह रहा हूँ जी। मतलब मैं वो चाह रहा हूँ कि ज्यादा अग्रेसिव नहीं होगा, ऐसा कुछ मुझे गाइड करिए, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू have a dog in my house. I think आपसे बेहतर स्वाति इस सवाल का जवाब कोई दे नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है विक्रम कि अगर आप पेट लाना चाह रहे हैं घर में, इससे अच्छी डिसीजन, इससे अच्छा डिसीजन आप ले ही नहीं सकते। और जैसे अभी संजीव और आप बोल रहे थे, पहली चीज़ तो आपको सोचना चाहिए कि आप अडॉप्शन करें। स्ट्रे डॉग्स हैं, बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स हैं जिनको ज़रूरत है, बहुत सारे आर्मी डॉग्स हैं जिनको ज़रूरत है, वो डॉग्स हैं जिनको केयर की, मेडिकल हेल्प की, एक फैमिली की ज़रूरत है। तो आप वो कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आप अडॉप्ट करें तो भी बहुत सारे ब्रीड्स हैं जो आप ला सकते हैं घर पे, बहुत डिपेंड करता है आप कितना टाइम उसको दे सकते हैं, आपके घर में कितनी जगह है। ये अच्छी बात आपने बताई कि टाइम एंड मनी। डॉक्टर साहब, शो से पहले बात हो रही थी कि दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जब आप अडॉप्शन के लिए जाते हैं, एक आप समय दे पा सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि आप क्या वो पैसा खर्च कर सकते हैं जो वैक्सीनेशन या ग्रूमिंग के लिए ज़रूरत होती है। और इसमें तीसरा पॉइंट ये भी है कि हमारे पास घर कितना बड़ा है हमारा, जी जी, तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन चूज अ पर्टिकुलर ब्रीड। बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि अपने नियर बाई वेट के पास जाएं, उनको हकीकत बता दें कि भाई हमारे पास इतना एरिया है, हमारे पास इतना ये है, एंड अकॉर्डिंगली चूज अ ब्रीड, बिकॉज मैनी टाइम्स हम एक गलत ब्रीड चूज कर लेते हैं। जी बिल्कुल, एंड शायद इसीलिए वो कॉलर भी हमारे ये सवाल था कि सही गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि संजीव हमारी बात हो रही है कि ये एक मुहिम है, ये एक मंच, एक मुहिम है कि आप अगर पेट्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो कोशिश करिए, आप ऐसे पेट्स को अडॉप्ट करिए जैसा कि अभी स्वाति ने बोला, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, स्ट्रे पेट्स हैं उनको अडॉप्ट करिए, और जो रिटायर्ड सर्विस डॉग्स हैं उनको अडॉप्ट करिए, ये एक बहुत अच्छी पहल होगी जी, और जी, लोगों जी। के लिए जानना बेहद ज़रूरी है संजीव। बिल्कुल बिल्कुल।
जैसा आपने अभी वैसे डॉक्टर साहब से पूछा भी था कि वैक्सीनेशंस, डॉक्टर साहब कई बार लोगों को बताया जाता है, एक बुकलेट भी आप शायद बना के देते हैं, फॉलो अप भी करते हैं, लेकिन कई बार लोग डेट्स मिस कर देते हैं। इनफैक्ट मेरे को मालूम है कि काफी प्रैक्टिसेस ऐसे भी है कि यहाँ रिमाइंडर्स भी भेजते हैं, बिल्कुल भेजते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए डेट मिस हो गया है, कोई वैक्सीनेशन लगना था, अगर वो सही समय से नहीं लगाए तो उसके रिपरकशंस क्या हैं, उससे कोई प्रॉब्लम होती है या थोड़ा सा पीरियड होता है? देखो, एक बहुत बहुत सिंपल सी बात है, अगर बूस्टर्स ठीक टाइम पे ना लगे तो प्रॉपर इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, तो डिजीजेस का एक्सपोजर तो है ही जी, देन द पेशेंट वो देन द डॉग इज गोइंग टू गेट सिक, राइट, एंड इसीलिए प्रॉपरली फॉलो अप करना ऑन वैक्सीनेशन, ऑन डीवर्मिंग। काउंसलिंग की बहुत अहम भूमिका हो सकती है इसमें, काउंसलिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, उत्तर प्रदेश से गिन्नी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम एक प्रश्न लेना चाह रहे हैं। मुझे लगता है बच्चों में बहुत खासा उत्साह। जी, नटखट होना तो बहुत अच्छी बात है, और बचपन में अगर नटखट नहीं है बच्चा तो फिर उतना मजा ही नहीं आता है जिंदगी में। नटखट की बात हो रही है स्वाति, आप बिहेवियरिस्ट हैं, आप एक्सपर्ट हैं पेट्स की, तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है एक कनेक्शन बनाना पेट्स का, सोशलाइज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम उनको कैद नहीं कर सकते, तो इस पर आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। एक्चुअली ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पेट पेरेंटिंग का, सोशलाइजिंग उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है पेट पेरेंटिंग का, और सोशलाइजिंग से हमारा जो मतलब है वो ये है कि हम अपने डॉग को यूज़ टू करें दूसरे डॉग्स के साथ, यूज़ टू करें ह्यूमंस के साथ। लोगों के दिमाग में ट्रेनिंग को लेके बड़े मिथ्स हैं, बिल्कुल हाँ, लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रेनर्स जो होते हैं वो तो डॉग्स को बहुत मारते हैं और बहुत क्रूअल होते हैं, पर ऐसा नहीं है। हाँ, ट्रेनिंग एक डॉग जैसे हमारे पास जब बच्चा होता है तो बच्चा स्कूल जाता है, बच्चा स्कूल में जाके पढ़ता है, वैसे ही ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ट्रेनिंग सिर्फ ट्रेनर से इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेनिंग आप अपने पेट को खुद ट्रेन करते हैं और आपको पता भी नहीं होता। आप हर बार जब अपने पेट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आप उसे ट्रेन ही कर रहे हैं। ये वही बात हो गई, जैसे हम बच्चों को घर में शिक्षा देते हैं, उनको सोशलाइज करना सिखाते हैं, उनकी ग्रूमिंग करते हैं, उनको सही गलत बताते हैं, तो उसी तरीके के मुझे लगता है ये पेरेंटिंग की बात होती है संजीव। सो आपके गोद में आते ही तो पेट कितना कंफर्टेबल हो गया है कि वो सो ही गया है, सो दैट्स हाउ रिलैक्स्ड यू आर मेकिंग दैट पेट फील। आई वुड लाइक टू मेक अ पॉइंट हियर दैट व्हेन यू गो अब्रॉड, जब बाहर जाते हैं हम देखते हैं कि डॉग्स एक दूसरे पे अटैक नहीं कर रहे होते हैं, दे आर वॉकिंग इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे, और यू गो टू अ बार एंड अंडर द बार वो डॉगी बैठा हुआ है एंड पीपल आर मूविंग अराउंड एंड दे आर नॉट बॉदर्ड, बट अनफॉर्चुनेटली इन आर कंट्री हेयर ये अर्ली सोशलाइजेशन जो नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब ऑब्वियसली जैसा है कि ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा जरूरी सोशलाइजिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और ग्रूमिंग कितना जरूरी है हमारे लिए और हमारे पेट्स के लिए, आइए इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है उसको देखते हैं। डॉग है जोरो, ये बहुत ही ब्रैट है, नॉटी, बट आई लव हिम अ लॉट। तो आज हम उसको ग्रूमिंग करेंगे, उसके साथ थोड़ा खेलेंगे, थोड़ा मस्ती भी करेंगे ताकि उसे अच्छा लगे। ग्रूमिंग वैन बहुत बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, आपके डोर स्टेप पे आती है, आपको कुछ नहीं देना पड़ता, बस डॉग को वैन में दे दो। इस ट्रक को हमने बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखते हुए बनाया है, जिससे कि हम कम जगह पे आपके डॉग या कैट को सारी सुविधाएं बड़ी आसानी से दे पाए।
इसमें शैम्पूज पाएंगे आप, माउथ स्प्रे है, परफ्यूम है, ताकि जब ग्रूमर ग्रूमिंग कर रहा हो आपको सब कुछ उसके हाथ के आसपास पाए। ग्रूमर्स इनके बहुत फ्रेंडली हैं और मुझे भी लगता है कि ही इज इन सेफ हैंड्स एंड ही इज हैप्पी। कान में भी पानी ना जाए उसका भी बहुत ध्यान रखते हैं, और आंखें भी हमें थोड़ा ध्यान रखनी पड़ती है इनकी, लेकिन इनकी आंखों में शैम्पू ना जाए। ये ग्लव्स है, इससे थोड़ा इसके बाल अच्छे से साफ हो जाएंगे, ये बहुत सॉफ्ट है। बहुत चिताने बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, तो इसको हमको हर 15 डेज में कराना ही पड़ता है ग्रूमिंग। शैम्पू पूरा निकालना है। नेल्स बढ़ जाते हैं तो इनको चलने में दिक्कत होती है। माई बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, सो मेरे को इसकी सेफ्टी, ग्रूमिंग, हाइजीन का हमेशा ख्याल रहता है, एंड आई चूज बेस्ट फॉर हिम। सो बहुत ही अच्छा एक हमने ये वीडियो देखा कि अगर आप ग्रूमिंग पार्लर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, और ये कोविड का समय कुछ ऐसा बीत रहा है कि ग्रूमिंग वैन्स आप अपने घर पे बुला सकते हैं। डॉक्टर साहब, ग्रूमिंग जो हम डिस्कशन कर रहे थे और ये हमने देखा भी क्लिप, कितना इंपॉर्टेंट है ग्रूमिंग, एंड ग्रूमिंग से रिलेटेड मेडिकल एलिमेंट्स क्या जुड़ जाते हैं अगर लोग ध्यान ना रखें? अगर प्रॉपर ग्रूमिंग नहीं होगी तो कॉम्प्लिकेशंस तो आएंगी। जब अच्छी ग्रूमिंग होगी, टिक प्रॉब्लम्स, फ्ली प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स, ear problems, they'll all be taken care of. So grooming is a very integral part of pet keeping, which cannot be ignored. Spaying और neutering भी एक important factor है। स्वाति, आप क्या बताना चाहेंगे इसके? पहले तो मैं जो डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि किस तरह की problems grooming के साथ आ जाती हैं। Grooming basically hygiene है। अगर हम अपनी hygiene maintain नहीं करते as humans, तो हमको बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। तो वैसे ही अगर हम अपने पेट की ग्रूमिंग या उसकी हाइजीन का ध्यान नहीं रखेंगे, हाँ, तो उनमें भी बीमारियां आ जाएगी। बहुत अच्छी बिल्कुल कुछ ग्रूमिंग टिप्स विंटर्स के लिए खासतौर से हमारे को ध्यान रखना चाहिए। हमारे पास आपके लिए कुछ ग्रूमिंग टिप्स भी हैं, लेकिन विंटर्स में ये जरूर ध्यान रखिए कि आप उनको टाइम टू टाइम ब्रशिंग करें और नहलाएं। ये ना सोचें कि ठंड है तो खाली नहलाना नहीं है, नहलाना जरूरी है irrespective of the season, and और ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे अगर आप स्वेटर पहना रहे हैं या कोट पहना रहे हैं तो उसको उतार के उसकी ब्रशिंग करना जरूर करना चाहिए हमारे को। एंड विद दिस वी कम टू अ सेक्शन जहां हम एक मिथ बस्टर आपके सामने लेके आना चाहिए। स्मृति, आप बताइए प्लीज। मिथ्स, मुझे लगता है कि अमूमन लोगों के मन में बहुत सारी ऐसी ख्याल होते हैं, ओपिनियन होते हैं जो कि अनगारंटीड होते हैं, उनका कोई वजूद नहीं होता। तो बहुत ज़रूरी है कि सही गाइडेंस मिले, और गाइडेंस क्या मिले उसके लिए आप देखिए हमारी ये स्टोरी। Dogs can see only black and white. ये absolutely एक मिथ है। ये सच है कि डॉग्स हम इंसानों की तरह बहुत सारे रंग नहीं देख पाते, पर कुदरत ने उनका भी ख्याल रखा है। वो कम रोशनी में भी साफ साफ देख सकते हैं, हल्की आहट भी सुनकर खतरा भी जल्दी भांप सकते हैं। वो जरूर कुछ रंग उनके एक्चुअल कलर्स में नहीं देख पाते। इसकी वजह है कुदरत ने ह्यूमन आइज को तीन प्रकार के कोन से इक्विप्ड किया है, जो हमें रेड, ब्लू और ग्रीन के कॉम्बिनेशन के रंग भी दिखाता है, जबकि डॉग्स हैव ओनली टू टाइप्स ऑफ कोन्स, जिसकी वजह से उनको येलो और ब्लू ही अच्छी तरह से पहचान में आते हैं। उनको रेड कलर भी डार्क ब्राउनिश या ब्लैक दिखाई देता है, ऑरेंज भी येलोइश दिखता है, ब्लू कलर अच्छी तरह देख लेते हैं, पर पर्पल इनको ब्लू ही दिखाई देता है। पर इनको नेचर ने जो सूंघने की अद्भुत शक्ति दी है, उसकी सहायता से ये सही चीज को पकड़ सकते हैं या छू पाते हैं।
जैसा आपने अक्सर देखा होगा, डॉग्स को बॉल फेंकने पर वो दौड़कर सही रंग की ही बॉल टच करते हैं। बट दे कैन नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन अ रेड बॉल एंड अ येलो बॉल। लकीली दे हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ स्मेल, है ना? सो जैसा आपने देखा, ये मिथ, कुछ अफवाहें, इन चीजों को हम सही करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट कॉलर रिधांत दिल्ली से हमारे साथ जुड़ते हुए। रिधांत, आपका सवाल बोल। माय क्वेश्चन कि हमें स्पाइडर कितना फूड देता होता है एज पर फिश की बात समझ सकते हैं। स्वाति, आप क्या बोल सकते हैं, फिशेस क्या बात करती हैं, उनकी कुछ आवाजें हम कम्युनिकेट कर सकते हैं या समझ सकते हैं, या ये खाली ओशन में ही पॉसिबल है? हर जानवर अपनी तरह से कम्युनिकेट करता है, चाहे वो डॉग्स हों, कैट्स हों, फिश हों, वाइल्ड एनिमल्स हों, उनका एक अपना तरीका होता है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का। आपकी फ़िश आपसे कम्युनिकेट शायद ना कर पा रही हो, पर वो अपने इकोसिस्टम में बहुत अच्छे से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। जी, तो उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसी डिवाइसेज आ जाएं जहां हम मछलियों की भी आवाजें सुन सकें और समझ सकें। राइट स्मृति? बिल्कुल बिल्कुल संजीव, ये ऐसा शो है, मुझे लगता है एज नो बार का फैक्टर है। बच्चे भी हमें कॉल कर रहे हैं, अपने सवाल पूछ रहे हैं, बड़ों को भी उत्सुकता है ये पूछने के लिए कि हम कौन सा पेट अडॉप्ट करें, तो मुझे लगता है ये बहुत बेहतरीन मंच है हर किसी के लिए कनेक्ट करने के लिए। और क्योंकि बात हो रही थी हमारी ग्रूमिंग की, तो मुझे लगता है एक ब्रीफ हम रिएक्शन और ले सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि ब्रशिंग को रिलेटेड और ये सारी चीजें, तो मैंने आपसे पूछा था कि क्या ऐसे, मतलब हम टाइम रन आउट हो रहा है तो हम जल्दी से इस चीज़ को एड्रेस करेंगे, कि ऐसा कौन सा इशू रिलेटेड होता है जो कि ग्रूमिंग से है और फिर मेडिकल कंडीशन बन जाता है? आजकल सर्दियों के टाइम पे अभी बहुत ठंड है, जैसे ये नॉर्थ इंडिया में है जी, तो लोग क्या करते हैं कि डॉग कोट पहना देते हैं, 24 घंटे पहना के रखते हैं जी, एंड इन द प्रोसेस बहुत डॉग्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ग्रूमिंग उनमें फंगल इन्फेक्शन हो रही हैं, फ्ली इन्फेस्टेशन हो रही है, मैटिंग ऑफ दी हेयर्स हो रही है, दीज आर आजकल ये बड़ी कॉमन चीज़ें नज़र आती जी, है। जी 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 नहीं, बिल्कुल सही बात है। स्मृति, हमारे ख्याल से हमारे पास टाइम रन आउट होता जा रहा है, बिल्कुल, तो प्लीज वी वुड लव टू थैंक आवर हमारे गेस्ट आज हमारे साथ जुड़े। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने टाइम निकाला। स्वाति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तो सो गए जनाब आपकी गोद में, ये तो सो गए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आइवर का भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और विद दिस इट्स टाइम टू रैप अप आवर शो। शो हम रैप अप करेंगे, बट आप सबसे रिक्वेस्ट है दैट यू कैन गिव योर फीडबैक एंड सजेशंस फॉर आर प्रोग्राम ऑन आर ईमेल आईडी bestfriendforever pets@gmail.com। इस पर आप लोग लिख सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग फिर डिस्कस करेंगे नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ, नया टॉपिक होगा। और आप सबसे हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, अगली बार भी इतना ही प्यार हमें दिखाइए और हमारे साथ जुड़िए। राइट, बर्ड्स एज पेट्स एंड वी विल टेक इट ऑन लास्ट नेक्स्ट टाइम अराउंड। ऑल द वे बेस्ट, रियली सबसे बेस्ट इसको लगता है बाहर घूमना। जब ये खुश होती है ना, तो अपना लीश मुंह में डाल के खुद घूमना इसको बहुत अच्छा लगता है। 10 बार भी कार में निकलो ना, तो 10 बार शी इज रेडी। जैसे गाड़ी की चाबी की आवाज ही सुन लेना, अगर मैंने उठाया तो इसे पता लग जाता है कि मैंने गाड़ी की चाबी उठा ली है, एंड शी इज रेडी। शी कैन रन डाउन द स्टेयर्स, बहुत तेज भागती है, पर वापस आने में शी विल नॉट, आई हैव टू लिटरली पुट पिक हर अप एंड देन ब्रॉट अप अपस्टेयर्स। अगर हम उसके खाने में हाथ भी डालो तो ये हमें बिल्कुल बाइट नहीं करती, मतलब ये अपने पेशेंस बहुत लेवल है, पेशेंस लेवल अल्टीमेट है। ये डॉग्स हमारे सोल्जर्स रहे हैं और उन्होंने पब्लिक की सेवा में बहुत काम किया है, तो हम इसलिए उनको बहुत खुशी भरा जीवन देना चाहते हैं, चाहे वो 6 महीने रहे, 5 साल रहे या थोड़े दिन ही रहे हमारे साथ।